जनपद रुद्रप्रयाग में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उपनिर्वाचन के लिए जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित के सामने विकास भवन सभागार में दो प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आपको बता दें कि भाजपा की ओर से जिला पंचायत वार्ड नंबर 8 बजीरा से अमर देव शाह और कांग्रेस के वार्ड नंबर 9 से ज्योति देवी ने नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की जांच की गई, जो कि सही पाए गए। वहीं नाम वापसी के लिए 18 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक का समय दिया गया है। 20 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा, जिसके बाद मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। सोमवार को नामांकन के बाद दोनों प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। 20 अक्टूबर को जीत किसके पक्ष में जाएगी, इसका सबको इंतजार है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी का और मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि सभी सदस्यों ने पुनः एक बार मेरे पे विश्वास जताया है और मेरे को जीत का भरोसा दिलाया है। इसलिए मैं मैदान में उतरी हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पे और अपने पूरे संगठन पे, अपने सभी माननीय सदस्यों पे, कि वो मेरे साथ पूर्ण विश्वास के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, एक तरफा चुनाव है, पूरी संख्या हमारे साथ है और अभी भी हम आप लोगों के माध्यम से जो दूसरी प्रत्याशी हैं उनसे कहना चाहेंगे कि वो अनावश्यक रूप से चुनाव की नौबत यहाँ पर ना आए तो ज़्यादा बेहतर होगा, और अगर चुनाव होता है तो बिल्कुल एक तरफा ये चुनाव होगा। मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और इसीलिए मैंने आज नामांकन किया है। चाहे प्रतिफल जो कुछ भी हो, मैं आखिरी दम तक चुनाव लड़ूंगी और हिम्मत नहीं हारूंगी। जो भी सदस्य मेरे साथ हैं वो पूर्ण रूप से मेरे समर्थन में हैं।